नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। हम यहाँ आहार का इंजीनियरिंग फिर बातें करते हैं। हम जो आहार खाते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। कौन सा खुराक खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सा खुराक शरीर में क्या करेगा, वो सारी बातें का हमको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग मतलब योगाहार। तो ये योगाहार में शरीर की सफाई कैसे रखनी है, शरीर को क्या खुराक चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी है, ये छोटी बातें पे हम यहाँ चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आया है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मेरा नाम लता वर्मा है, मैं 53 इयर्स ओल्ड हूँ, अजमेर राजस्थान से बिलोंग्स करती हूँ। राजस्थान के अजमेर से लता वर्मा नाम की बहन है, उनकी उम्र है 53 इयर्स। उन्होंने यहाँ मुझे मैसेज भेजा है, सर आप मुझे रास्ता बताएं, मैंने आपके बहुत से वीडियो देखे हैं, मैंने आपके काफी वीडियो देखे हैं, बट एक बार गाइडेंस चाहती हूँ। सर मुझे थायराइड पिछले 12 सालों से है। तो बहन की समस्या है थायराइड, जो 12 साल से है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है, किडनी 10 साल से 10 साल पहले बाईपास करवाने पर 50% खराब बताया गया था। तो उनका बाईपास जब किया था तब उनका 10 साल पहले, तो उनकी किडनी जो है वो 50% ही काम कर रही है, खराब हो चुकी है। उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है किडनी में, किडनी के अंदर। आगे लिख रही है, वेरिकोज वेन्स भी है, तो उनको वेरिको वेन्स की भी समस्या है। तो वो पूछ रही है, मुझे कैसे एनडीएस फॉलो करना है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या आप बात करेंगे? किडनी डिजीज वाला वीडियो भी भेज सकते हो तो कृपा होगी। तो बहन जी ने सारी समस्याएं तो बता दी, उनका वजन कितना है वो नहीं बताया, लेकिन उनको थायराइड है, तो ऐसा मान लेते हैं कि उनका वजन ज्यादा होगा। उनको एसिडिटी है या नहीं है वो भी उन्होंने बताया नहीं है। तो ज्यादातर जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं उनको एसिडिटी की समस्याएं थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो जो लोग प्रश्न पूछते हैं उन्हें उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भी वो अपना वजन खास बताए, उसकी प्रकृति कौन सी है, कफ वाले है पित्त वाले है वो खास बताए, तो इससे क्या है हमको थोड़ा गाइड करने में अच्छा रहता है। यहाँ बहन जी को थायराइड है, किडनी खराब है, वेरिको वेन्स भी है, और उन्होंने एक बार बाईपास भी करवा लिया है। तो ये एक एक करके एक एक चीज पे हम आगे बढ़ते हैं और उसको पूरा कैसे डाइट करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो थायराइड पे बात करते हैं, उनका थायराइड बिगड़ा है। थायराइड यहाँ गले में होता है, ये देखो यहाँ ये गले में ये थायराइड ग्रंथि बताई है, ये देखिए, ये जब उनकी साइज बड़ी हो जाती है तब उसका जो वहां से अंतःस्राव पैदा करना होता है थायराइड ग्रंथि का, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। शरीर को जितनी जरूरत है उतनी कम या ज्यादा कर लेता है, उसको थायराइड का प्रॉब्लम बोलते हैं हम। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है, वो हमारे शरीर के बॉडी को गेन या लॉस, कई लोगों को थायराइड प्लस होता है तो वजन बढ़ाता है, किसी को थायराइड सूखा थायराइड बोलते हो तो वजन कम करता है। तो हमारे शरीर को कितना वजन रखना है वो थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करती है।
तो थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला एक और होता है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये आंख की लाइन में, यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये आंख है, उसकी लाइन में ये छोटी सी, इतनी छोटी होती है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो ये पिट्यूटरी, ये साइड में बताई हुई है, आप जहाँ, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो ये हम यहाँ से श्वास लेते हैं तो अंदर जाता है हमारा छोटा मगज, ये बड़ा मगज, ये देखिए, ये जो आपकी ये जगह है, छोटा मगज और बड़ा मगज के ये जॉइंट पे ये छोटी सी एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि थायराइड को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पिट्यूटरी थायराइड को कंट्रोल करती है और थायराइड अंतःस्राव प्लस माइनस करता है। तो कई बार यहाँ से सिग्नल सही मिल रहा है कि तुमको इतना करना है काम, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, मशीन बिगड़ा हुआ है, या तो उनको गलत मैसेज जा रहा है कि भी जरूरत कम थी और उन्होंने मैसेज दे दिया कि इतना ज्यादा निकाल दो तुम, तो भी समस्या आती है। तो यहाँ आपको अकेला थायराइड ठीक नहीं करना है, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि की भी ठीक करनी चाहिए। तो ये दोनों अच्छी तरह काम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए बीमारी आती है। तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो दोनों ग्रंथियों में शायद कचरा इकट्ठा हो गया है, इसीलिए काम करना छोड़ दिया। जैसे हमारे बाइक का प्लग बिगड़ जाता है तो प्लग के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो प्लग काम करना छोड़ देता है। तो यह प्लग नहीं बिगड़ा है, कचरा इकट्ठा हुआ, इसलिए प्लग काम नहीं कर रहा है। तो आपके थायराइड की ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि में कचरा मान लो जम गया है, टॉक्सिन भर गए हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं। आपको काम क्या करना है? टॉक्सिन निकालना है, कचरे को निकालना है। 90% से ज्यादा बीमारियां कचरे की है शरीर में। तो आपके शरीर की सफाई करो, सफाई होने से वो सारी ग्रंथियां काम करना चालू कर देंगे। तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड दोनों को हमको साफ करना है। और देखो, ये पिट्यूटरी ग्रंथि का लोकेशन आप इसमें देख रहे हैं ना, मैं यहाँ जो सर्कल कर रहा हूँ, ये पिट्यूटरी ग्रंथि का लोकेशन है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो ये हमारी, हम जब श्वास लेते हैं यहाँ से, नाक से, तो पहले तो ये वायु कोतर होते हैं। देखिए ये कितनी जगह है, यहाँ खांच खूंच वाली जगह होती है, फिर वो यहाँ से लेके नीचे श्वास नली में आती है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो हमारी जो वायु का जो रास्ता है श्वास लेने का, यहाँ से अंदर जाता है, इसके पीछे, यहाँ से अंदर, ये भाग दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर होता है, हमारी जो श्वास नली का है इसके ऊपर के हिस्से में, बड़े मगज के नीचे में, और ये पीछे वाला जो छोटा मगज है उसके आगे वाले हिस्से में, वहां पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी और थायराइड दोनों को साफ करना है, दोनों को अच्छा करना है, एक्टिवेट करना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ठीक करने के लिए श्वासोश्वास प्राणायाम से उसका फायदा मिल सकता है। एक तो सफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि खट्टे फल खाने पड़ेंगे। खट्टी चीज का काम है सफाई करना, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने का काम ही खट्टी चीज करती है। अच्छा, मान लो सफाई कर ली और बिगड़ गई है, तो उसको ठीक करनी पड़ेगी, रिपेयर करना पड़ेगा। तो शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, और रिपेयरिंग करने वाले कारीगर चाहिए, ये दोनों को आपको उनको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ हम बार बार बताते हैं कि शरीर को रिपेयर करने वाले कारीगर कौन है, तो जो हरी पत्ती का हरा रंग है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्लोरोफिल जब शरीर में जाता है तो हीमोग्लोबिन बनता है, और वही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के कारीगर है। वो न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो उसको ठिकाने लगाएंगे और रिपेयरिंग काम में मदद करेंगे। तो आपको हरी पत्ती ज्यादा लेनी है, हरी पत्ती में न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, हरी पत्ती में कारीगर भी मिल जाएंगे। अच्छा, आप खट्टे फल खाइए तो क्या होगा, सफाई काम हो जाएगा। तो आपकी पिट्यूटरी और थायराइड दोनों में मान लो कचरा है, तो खट्टे फल सफाई कर लेंगे, आप हरी पत्ती खाओगे तो कारीगर मिल जाएगी, रिपेयरिंग का सामान मिल जाएगा, और साथ में आप प्राणायाम करोगे तो
तो और फायदा रहेगा। तो प्राणायाम में हम एडवाइस करते हैं एज ए योगा टीचर कि आपको धीमी लंबी और ऊंडी श्वास लेनी है, और श्वास लेने के टाइम आपको ऐसे महसूस करना है कि जैसे आप श्वास के साथ अंदर जा रहे हो। और धीरे धीरे आप श्वास छोड़ रहे हो, ऐसा फीलिंग करके जब आप प्राणायाम करते हो तो आपकी जो यहां से रास्ता जो है श्वास अंदर जाने का पूरा, ये रास्ते के आसपास चेताएं लगी हुई होती है, चेताएं, तो ये चेता आपकी एक्टिवेट होती है, और ये चेता एक्टिवेट होती है तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को भी साथ साथ में वो जगाती है। देखिए आप यहां से श्वास भरोगे तो ये क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को भी साथ साथ में जगाएगा, हाँ इसको जगा पाएगा वो। तो धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे धीरे छोड़ो, ये प्रैक्टिस साथ में हरी पत्ती, साथ में खट्टे फल, ये तीन चीज आपको आपकी पिट्यूटरी और थायराइड दोनों को साफ कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि ठीक होने से शरीर में दूसरी ग्रंथियां भी अच्छी काम करने लगती है, तो अकेली थायराइड नहीं, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका पेंक्रियाज, वो सारे के ऊपर ये पिट्यूटरी का ही कंट्रोल है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे मेन है, उसको आपको क्लींस करना है, उसको ठीक करना है और उसको एक्टिवेट करना है। तो उसको चेताओं से जागृत कीजिए, हाँ हरी पत्ती का हरा रंग देके उसको रिपेयरिंग कर लीजिए, और रिपेयरिंग का सामान भी हरी पत्तियों में न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो आपको सफाई, शरीर को कचरा निकालना है तो कचरा निकालने के लिए आपको 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना है, सुबह से दोपहर तक उपवास करना है, तो उपवास करने से आपकी अंदर की खून की सफाई हो जाएगी, कचरा निकल जाएगा। दोपहर को हरी पत्ती के रस 2-3 ग्लास पीने हैं, उसमें खट्टे फल डालना है, आंवला अभी मिल रहा है, सर्दी की मौसम चल रही है, आंवला मिल रहा है, आप आंवला डाल लीजिए। अच्छा, मान लो आपको समस्या है एसिडिटी की, तो अभी शुरू के टाइम में आपको आंवला ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा टेस्ट के लिए लेना है, ज्यादा खट्टा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, तो ये छोटी बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपका थायराइड ठीक हो सकता है, आपके साथ में पिट्यूटरी भी सफाई हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी, आपके शरीर की सारी समस्या साथ में चली जाएगी। दूसरा उनका नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, जो किडनी बिगड़ गई है, तो किडनी का काम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो हमारे शरीर में यहाँ देखो ऊपर चित्र में बताइए, हमारी जो फेफड़ों होती है उसके नीचे की साइड में और पीछे के भाग में दो किडनी बताई हुई है, तो ये दोनों किडनी का काम है आपके शरीर में जितना खून घूम रहा है वो खून को किडनी में जाता है, वो एक प्रकार की छन्नी है, हाँ वहाँ फिल्टर होता है, खून फिल्टर होता है, खून में जो लिक्विड कचरा है वो लिक्विड कचरा यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम आपकी किडनी करती है। तो ये किडनी में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये किडनी का जो ये जो आकार ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो अंदर दिख रहे हैं उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ये नेफ्रॉन्स, ये छोटी जगह नेफ्रॉन्स की, ये नेफ्रॉन यहाँ बड़ी साइज में बताया है। तो ये जो हुए उसमें क्या होता है कि भाई ब्लड और वेस्ट यहाँ से आया, नीचे देखो ये नॉर्मल, और जिसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो उसमें क्या हालत होती है, तो यहाँ ब्लड और वेस्ट यहाँ से नीचे आता है, इसके अंदर छन्नी होती है, फिर यूरिन बाहर निकल जाता है और फिल्टर ब्लड आगे चला जाता है, और यहाँ क्या होता है जिसका बिगड़ा हुआ है फिल्टर, इसमें ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन यूरिन के अंदर नीचे चला जाता है, तो जो प्रोटीन आपके खून में रहने का था वो आपकी छन्नी खराब हो चुकी है, फट चुकी है, तो वहां वहां से प्रोटीन खून में रहना चाहिए, यूरिन में नहीं चला जाना चाहिए, वो खराब हो चुकी है छन्नी, इसीलिए यूरिन के साथ आपका प्रोटीन चला जा रहा है, तो यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, तो आपके शरीर को जो प्रोटीन जो रिपेयरिंग के लिए चाहिए
वो कम पड़ रहा है, तो एक किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ आपकी छन्नी जो है वो फट गई है, और ये सिंपल सा लॉजिक है, छन्नी फट चुकी है, उसको हमको रिपेयर करना है। हम अपने घर में कोई छन्नी है और बिगड़ जाती है तो वो फेंक देते हैं, नहीं ला देते, हम किडनी नहीं ला सकते, या तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो जो बिगड़ चुकी है उसको ठीक करनी है, और बिगड़ जाने के पीछे कई बार क्या प्रॉब्लम होते हैं, छोटे छोटे स्टोन, हाँ, आपके शरीर में स्टोन बनते हैं तो वो बिगाड़ देते हैं आपकी छन्नी को। अच्छा, मान लो ओवर प्रेशर हो गया है, ज्यादा बीपी ज्यादा रहता है, उनके भी ये छन्नियां फट जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से आता है, ज्यादा प्रेशर रहने से भी वो छन्नी फट जाती है। तो चाहे किडनी में छोटे छोटे स्टोन के हिसाब से नुकसान हुआ है, या बीपी के कारण हुआ हो, या आप दवाई खा रहे हो दूसरे रोगों की, तो बीपी और डायबिटीज की ज्यादा गोली सालों तक गोली खाने से भी आपकी जो किडनी की छन्नी होती है वो खराब हो जाती है, दवाइयों के कारण भी। तो ये किसी भी कारण से खराब हो चुका है, तो कचरा इकट्ठा होने से खराब हो चुका है, या रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है, और कोई भी कारण है, तो हमको यहाँ क्या करना है, पहले तो सफाई करनी है। अंदर जो भी कचरा है, मान लो स्केलिंग हो चुका है, छोटी छोटी क्षारीय पड़ लग गई है, और आपके ये नेफ्रॉन बिगड़ गए हैं, जो यूरिन को पास करता है और ये प्रोटीन को रोक के रखता है, तो ये नेफ्रॉन क्षार के हिसाब से बिगड़ गए हैं, तो आप खट्टे फल खाओगे तो आपकी किडनी जो है अंदर से सफाई हो जाएगी। और हम तो कई लोगों को बोलते हैं कि आपको स्टोन का किडनी में प्रॉब्लम आ गया है, तो आप खट्टे फल पे रहिए, नींबू पानी पे 2-3 दिन रहिए, आपकी सारी किडनी की पथरी निकल जाएगी पिघल के, किडनी भी अंदर से फिल्टर हो जाएगी। तो इसको आपको साफ करना है फिल्टर को, तो उसके लिए एक तो नींबू पानी भी अच्छा काम ना है, तो आपको हरी पत्ती के साथ खट्टे फल लेने हैं, तो वो आपकी किडनी में सफाई काम कर लेंगे। रिपेयरिंग के लिए आप हरी पत्ती खाओगे तो हरी पत्ते का हरा रंग और न्यूट्रिशन दोनों आपको काम करेंगे। अच्छा, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको पत्तियां खाने से मना किया जाता है, फ्रूट्स खाने से मना किया जाता है, तो ये इसीलिए मना किया जाता है कि आप खाओगे तो इसमें पोटेशियम और जो भी काम की चीजें हैं वो आपके यूरिन में ज्यादा दिखती है। अब यहाँ समस्या ये है कि डॉक्टर क्या करते हैं, पत्ती खाने से मना करते हैं, क्यों? क्योंकि पोटेशियम बढ़ जाता है, क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है यूरिन में, तो ये क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, इसके लिए वो लोग पत्ती खाने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप लहसुन खाओगे तो लहसुन की स्मेल तो आने वाली ही है, अब स्मेल ना आए इसके लिए आप लहसुन खाने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन लहसुन खाने से हमारे हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हो, अब आपको हार्ट ब्लॉकेज खुलना है तो लहसुन खाना पड़ेगा, लहसुन खाओगे तो स्मेल आएगी, तो आप हरी पत्ती खाओगे तो आपका क्रिएटिनाइन बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, लेकिन आप हरी पत्ती खाओगे ही नहीं तो वो ठीक कौन करेगा? तो हमको किडनी ठीक करनी है, तो ठीक करने के लिए हरी पत्ती जरूरी है, तो आपको पत्ती खानी है, भले आपका रिपोर्ट जो भी आए, रिपोर्ट में आपके रिपोर्ट के क्रिएटिनाइन बढ़ के आए या पोटेशियम बढ़ के आए, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिपेयरिंग वाला सामान देना है, आप खाओगे तो रिपोर्ट में बढ़ेगा, नहीं खाओगे तो नहीं बढ़ेगा। अब नहीं बढ़ाने के लिए हम खाए ही नहीं, वो तो गलत है, हमको खाना तो जरूरी है, ठीक है। तो हरी पत्ती ही आपकी किडनी ठीक करेगी, खट्टे फल ही आपकी किडनी को क्लींजिंग करेंगे, तो साफ सफाई कर लो, ज्यादातर तो कचरे के ही समस्या है। मैं बार बार बोलता हूं कि शरीर में जितनी बीमारियां है उसमें 90% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है, सिर्फ कचरे की, ठीक है। तो ये हरी पत्ती आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे उनको प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स। अब वेरिको वेन्स में क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लो। हमारे पैरों में जो खून जाता है तो वो खून नीचे तक जाता है और नीचे से वापिस ऊपर आता है, तो पैरों में जो खून नीचे से ऊपर आए, देखो ये ऊपर चित्र में बताया है, यहाँ मैं आपको पीले रंग से दिखाता हूँ, ये नॉर्मल वेन्स जो है, तो यहाँ से खून ऊपर आ रहा है,
अब ये खून ऊपर आ रहा है तो वो खून नीचे प्रेशर से नीचे न चला जाए इसके लिए ऐसे छोटे छोटे वाल आपकी खून की नली में होते हैं। ये देखिए मैं राउंड करके बता रहा हूं लाल कलर से भी, ये आपके वाल है। ठीक है, अब ये वाल बिगड़ गए हैं, ये वाल बिगड़ गए हैं तो वो क्या करते हैं, खून ऊपर जा रहा है तो ऊपर से खून नीचे भी वापिस आ जाता है। तो इसके हिसाब से आपका जो पैर होता है ये नॉर्मल पैर है, देखो ये राइट साइड में ये नॉर्मल पैर है और ये वेरिकोवेंस वाला पैर, तो ये क्या होता है यहाँ सूजन रहती है। हाँ, नीचे पैर ऐसे मोटे मोटे दिखते हैं क्योंकि खून का वॉल्यूम नीचे ज्यादा रहता है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, जाएगा वापिस आ रहा है प्रेशर से, वर्टिकल पोजीशन में रहता है हमारा पग, तो ग्रेविटी क्या करती है, पृथ्वी की ग्रेविटी खून को नीचे खींच रही है। तो ये खून नीचे ना आ जाए इसके लिए भगवान ने हमारे खून की नलिकाओं में ऐसे नॉन रिटर्निंग वाल्व रखे, खून ऊपर जा सकता है नीचे नहीं आ सकता, लेकिन वो बिगड़ गए हैं, वो बिगड़ गए हैं तो उसको ठीक करने हैं। तो इसको ठीक करने का काम क्या करना है, तो आपके जो वाल है इसके अंदर कचरा इकट्ठा हो गया होगा तो भी काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें कोई घिसारा पड़ गया है उसको नए सेल बनाने हैं तो अब नए मटेरियल आप नहीं भी दे रहे हो, रिपेयरिंग का सामान नहीं दे रहे हो तो भी वो काम नहीं कर रहे। तो आपको रिपेयरिंग का सामान चाहिए, आपको कारीगर चाहिए, आपको दोनों को देना है, तो ये दोनों चीज वही फिर वहीं से मिलेगी, कहीं से, हरी पत्ती। तो हरी पत्ती में कारीगर भी है, रिपेयरिंग का सामान भी है, तो आपको हरी पत्ती ही खानी है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपकी वेरिकोवेंस भी चली जाएगी, आपकी किडनी की समस्या चली जाएगी, आपकी थायराइड की समस्या चली जाएगी, आपको जो भी है वो सब वहीं से निकल जाएगा। तो रिपेयरिंग के लिए हरी पत्ती काम की है, आपके शरीर में जो कचरा इकट्ठा हो चुका है कचरे को बाहर निकालने के लिए आपको खट्टे फल खाने हैं। शुरू में मान लो आपको एसिडिटी है तो आपको शुरू में खट्टे फल थोड़े कम खाने हैं, हाँ कम खाने हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूरा जो डाइट है कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको सुबह सुबह में आपकी आंतों की सफाई करनी है तो एनिमा का इस्तेमाल कीजिए, आपकी बड़ी आंत को साफ कर लो, एनिमा आगे झुक के लो और अंदर तक पानी जाएगा पूरा निकल जाएगा। दोपहर तक आपको उपवास करना है 6 से 8 घंटा, ये सफाई तो लंगन करना है, तो लंगन इसीलिए करना है कि आपकी खून की सफाई हो जाए। ठीक है, और जब तक भूख नहीं है तब तक आपको खाना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। सुबह में उठे दोपहर तक आपको ऐसा लगता है कि अभी भूख नहीं है तो वहां तक नहीं खाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोपहर को 6-8 घंटा उपवास करने के बाद आपको हरी पत्ती का रस निकाल के पीना है, ये खास आपको ध्यान रखना है। तो 2 से 3 ग्लास हरी पत्ती का रस निकालो। हरी पत्ती में भी सबसे अच्छी पत्ती है रचका, सहजन का पत्ता और गेहूं का जवारा, ये तीन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा क्लोरोफिल होते हैं। बाकी पालक है, धनिया है, पुदीना है, मीठा नीम है, वो सारे है टेस्ट के लिए, लेकिन वो तीन ज्यादा मिलते हैं तो वो तीन ज्यादा लेने हैं। आपको ज्यादा पत्ती लेनी है उसमें जैसे चटनी बनाते हो ऐसे थोड़ा कम पानी डालना है, मिक्सी में बरोबर क्रश करना है, छन्नी में डाल के आपको छान लेना है, उसके अंदर आप मिठास के लिए गुड़ डाल सकते हो, खजूर डाल सकते हो, खटास के लिए आप नींबू आमला डाल सकते हो, तिखास के लिए हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो। तो खट्टा तीखा मीठा खारा नमक भी आप डाल सकते हो, काला नमक या सेंधा नमक। ठीक है, तो आपको 2-3 ग्लास दोपहर को ऐसे रस पीने हैं, जितना रस पेट में जाए उतनी मुंह की लार जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चम्मच चम्मच लेके पीना है, घुमा घुमा के पीना है और धीरे धीरे करके पीना है। आपको दोपहर से शाम तक 2-3 ग्लास हरे पत्ते के रस, बाकी सब्जी फ्रूट सलाद अंकुरित जो भी खाना है वो शाम तक आप खा सकते हो। रात को एक ही टाइम आपको पकाया खाना है, उसमें आपको ध्यान रखना है अनाज कम खाना है, सब्जी ज्यादा खानी है, और सब्जी को कुकर में नहीं पकानी है, उसको स्लो सिस्टम स्लो कुकिंग मेथड से, और जैसे संभारा बनाते हैं हम तो इसको ज्यादा नहीं पकाते, सिर्फ गरम किया मरी मसाला डाल दिया और गरम हो गया, बस इतना, ज्यादा पकाना नहीं है ज्यादा उबालना नहीं है,
ऐसी कच्ची पक्की सब्जी ज्यादा खानी है, ठीक है? तो ये सिस्टम से आप रहोगे तो आपकी ये सारी समस्या धीरे धीरे करके चली जाएगी। गाय भैंस के दूध की सारी बनावट बंद कर देनी है। वो हमारे शरीर में कफपित्त वायु बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए जो बीमारी, हर बीमारी के पीछे कफपित्त वायु जिम्मेदार है। तो जो खुराक शरीर में कफपित्त वायु बढ़ाता हो वो कभी हमारी बीमारी ठीक होने नहीं देता है। तो आपको, आप ठीक ना हो जाओ तब तक डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। इसमें दूध भी आ गया, छाछ भी आ गया, दही भी आ गया, सब कुछ, ठीक है? तो ये चीजें आपको छोड़नी है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग जो है, इसमें आंतों की सफाई, छोटी आंत की सफाई के लिए आप हमारे पास से त्रिफला मलशुद्धि मंगवा सकते हो। हाँ, ये इसका उपयोग आप साथ में करोगे तो और फायदा रहेगा। आपका जो खुराक है वो आप पत्ती सब्जी फ्रूट अंकुरित खाओगे तो अल्कलाइन हो जाएगा, आपके शरीर में पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो जाएगी, शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। हरी पत्ती का हरा रंग जाएगा, जो आपका क्लोरोफिल जाएगा वो शरीर में आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, वो शरीर को रिपेयर करेंगे। और पत्ती 3 ग्लास से कम पीना नहीं है, जो भी पियो जो भी खाओ चबा चबा के धीरे धीरे पीना है। जितना खुराक पेट में जाए उतनी लार का ध्यान रखना है। आप दोपहर से शाम तक कच्चा खा रहे हो और इसमें आपको मान लो अशक्ति आती है तो आप कोई भी मीठी चीज ले सकते हो। स्वाद में मीठी हो वो आपको ताकत दे देगी, तो अशक्ति आने देनी नहीं है। खट्टी आपके शरीर में से क्लिंजिंग काम करेगा। अच्छा, आपको और जल्दी फायदा करना है तो आप साथ में बॉडी को अच्छी तरह क्लिंजिंग करने के लिए हिमालयन बेरी आती है वो आप मंगवा सकते हो। उसके दो दो चम्मच दो बार सुबह शाम को आधे ग्लास पानी में लोगे तो आपके शरीर में छोटी छोटी जगह का सफाई काम कर लेगा। और आपके शरीर का जो हीमोग्लोबिन है वो नेचुरल जल्दी बढ़ाना है तो एक कैक्टस का फल आता है जिसको फिनला बुटले है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रिकली पियर्स। उसके फल का रस आता है जिसको फिनला बोलते हैं, वो आप हमारे पास से मंगवा के वो हर रोज 50 ml पी सकते हो। तो ये दोनों चीज आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपको और फायदा रहेगा। साथ में हमारे हमारे यहाँ हमने एक तीसरी आइटम एक अच्छी बनाई है, वो है मोरिंगा, मतलब सहजन की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट और चिया सीड का एक्सट्रैक्ट, दोनों इकट्ठा करके हमने कैप्सूल तैयार किया है। वो कैप्सूल काम क्या करती है कि आपके शरीर को क्लोरोफिल देती है, न्यूट्रिशन तो देती है, साथ में चिया का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे मगज से हमारी जो हर ऑर्गेन शरीर के जितने अंग है उसके ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए जो चेता तंत्र होता है वो चेताओं को अच्छा करता है। मतलब आपका पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के दूसरे ऑर्गेन के ऊपर जो कंट्रोल कर रही है वो वायरिंग से होता है, तो वायरिंग को ठीक करने का काम चिया सीड करता है। तो आप मोरिंगा चिया की कैप्सूल भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। वो दो टाइम दो दो कैप्सूल आपको लेनी है तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा रहेगा और जल्दी फायदा मिल जाएगा। आप कच्चे पे रहोगे तो फायदा होने वाला ही है, लेकिन हम हरी पत्ती का पूरा ग्लास पीते हैं तो उसमें से 100% एब्जॉर्ब कभी नहीं होता है। तो यहाँ हमने जो कैप्सूल बनाई है वो ऐसे फॉर्म में है कि आप हरे पत्ते का एक पूरा ग्लास पी जाओ, इसके अवेज में ये दो कैप्सूल पानी के साथ पी लो तो इतना ही मटेरियल आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये साथ में ये अलग से लेने से आपको आपके शरीर को ठीक होने में और जल्दी बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको ये एनिमा दोपहर तक उपवास, दोपहर से शाम तक कच्चा हरी पत्ती मिनिमम 3 ग्लास कम पानी वाली बनानी है और रात को एक टाइम पकाया खाना है। इतना करोगे आपकी सारी समस्या धीरे करके निकल जाएगी। आगे एक दूसरा प्रश्न है, राजेश भाई, टुडे आई स्पोक टू यू ओवर फोन फ्रॉम मणिनगर अबाउट माई डबल डिजीज। उनको क्रॉनिक सर्दी है और क्रॉनिक पाइल्स है। बाई मिस्टेक आई गेव माई वेट एज 60 इज नॉट करेक्ट, एक्चुअल वेट इज 54 kg एंड एज इज 64। सो अंडर सच लेस वेट इज इट एडवाइजेबल टू ऑब्जर्व फास्ट फॉर 24 आवर्स? आई हैव टू गेट वेल फ्रॉम पाइल्स एंड कोल्ड बोथ क्रॉनिक। तो ये भाई साहब मणिनगर अहमदाबाद के, उनको क्रॉनिक सर्दी रहती है और क्रॉनिक पाइल्स की समस्या है, उनमें से उनको बाहर निकलना है। उसका वजन है 54 kg, 54 किलो वजन है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या मैं उपवास कर सकता हूँ 24 घंटे का? 24 घंटे का नहीं, आप 48 घंटे का भी कर सकते हो।
उपज जितनी आपको क्रॉनिक सर्दी और क्रॉनिक पाइल्स में फायदा करेगा, इतना दूसरा कोई खुराक नहीं करेगा। आपको पाइल्स है तो आपको खट्टे और तीखी दोनों चीज बंद करनी है। अच्छा, सर्दी है तो आपको मीठी चीज भी बंद करनी है, तो आपको तो खट्टी भी नहीं खानी है, मीठी भी नहीं खानी है, तीखी भी नहीं खानी है, तो ये तीन ही चीज को बंद कर लो। मतलब स्वाद पीने का खाना है तो उपवास ही कर लो, इससे अच्छा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा यही है कि आप 1 या 2 दिन फास्टिंग कर लो, आपके पाइल्स में और क्रॉनिक कोल्ड में तुरंत आराम मिल जाएगा। हाँ, उपवास करने में ध्यान रखना है, आपको हर 2-3 घंटे में एनिमा लेता रहना है। एनिमा लोगे तो आप 24 घंटा फास्टिंग करोगे, आपको आपका मुंह प्यास भी नहीं लगाएगा, प्यास लगेगी नहीं और आराम से आपको निर्जरा हो जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि भी अशक्ति लगती है तो आराम कर लो। आप 24 घंटे का उपवास करोगे तो शायद आधे घंटे से आधे केजी से 1 केजी 1 किलो तक का वजन कम हो जाएगा, लेकिन इससे अच्छी सफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, और न रह पाओ तो आप हरी पत्तियों का रस, थोड़े स्वाद वाले, ज्यादा स्वाद नहीं करना है, मीठा तीखा खट्टा, हाँ थोड़ा थोड़ा टेस्टी, सामान्य टेस्टी करके आप हरी पत्तियों का रस ले सकते हो। ठीक है, वो पियोगे तो चलेगा, लेकिन 24 घंटे का उपवास करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ बात किसी को करना है तो 2:30 से 4 का टाइम होता है। कई बार मैं उस टाइम कोई दूसरी मीटिंग में होता हूँ तो फोन नहीं ले पाता हूँ, तो आपको व्हाट्सएप कर लेना है, हम व्हाट्सएप में रिप्लाई दे देंगे। जिसको कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप ही करे, फोन पे बात करने की ज्यादा अपेक्षा नहीं रखे। और पहले तो आप खुद अपने शरीर को कैसे संभालना है वो बातें समझ लो। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो 12 वीडियो है योगा और हिंदी में, उसको पहले एक बार देख ले, फिर मुझे व्हाट्सएप करे या तो फोन करने की कोशिश करें। तो ये योगा हार्ट यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां योगा हार्ट हिंदी में जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर के 12 वीडियो जो पूरा कोर्स है वो एक बार सुन ले, देख ले। ठीक है, तो आपको ज्यादातर सब समस्याओं का कैसे निकालना है पता चल जाएगा। आगे दूसरा हमारा रेसिपी का भी यूट्यूब चैनल है, ये फूड विथ लाइफ नाम की, तो वहां भी आप जाके अच्छी अच्छी रेसिपी देख सकते हो और अच्छी खाने की चीजें बना के घर में सबको खिला सकते हो। और लास्ट में एक छोटा सा मैसेज, आप ऐसा कोई भी आपकी जो कहीं भी प्रिंटिंग हो रही है तो उसमें छाप सकते हो। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे कोई प्रश्नों के साथ। नमस्कार।